जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। सामान्य कंप्यूटर के विगत वर्षों में मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा में पूछे गए ये प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के इसमें कंप्यूटर के पूछे गए थे पिछली परीक्षा में ये प्रश्न। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट है कि एक बाइट खालिस्तान बिट के बराबर होती है, किसके बराबर होती है ये आपके लिए बताना है। एक बाइट जो है यह कितने बिट के बराबर होती है ये पूछा गया है। तो आपका सही आंसर है 8 बिट के बराबर होती है एक बाइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एम एस एक्सेल 2007 में मैक्रोज को निम्नलिखित में से किस मेन्यू द्वारा निष्पादित किया जा सकता है, डाटा, इंसर्ट, होम या फिर व्यू। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी का सही आंसर होगा व्यू, आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर जो डी है वह आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर स्वयं की प्रतिलिपि बनाने की और यंत्रों को संक्रमित करने की क्षमता होती है खालिस्तान कहलाती है, क्या कहलाती है। 3 में आपके लिए चयन करना है। तो 12 में आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर आपका जो डी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, निम्नलिखित में से किस फाइल फॉर्मेट को नोट पैड नहीं खोल सकता है, इनमें से आपको चयन करना है। वह कौन सी फाइल है जिसको फॉर्मेट को जो है नोट पैड नहीं खोल सकता है। तो 4 में आप सभी का सही आंसर है, AVI आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 5 पूछा गया है, MS Excel का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है कौन सा है। MS Excel जो है एक्सेल का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है वह कौन सा है। तो आपका सही आंसर होगा .xls जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आप अपने जीमेल अकाउंट में नई ईमेल आईडी कहाँ शामिल करेंगे, इनबॉक्स में, आउटबॉक्स में, संपर्क में, प्रेषित मेल में। आप अपने जीमेल अकाउंट में नई ईमेल आईडी कहाँ शामिल करेंगे। तो 6 में आप सभी का सही आंसर है, संपर्क आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तार युक्त प्रकार की इंटरनेट संयोजकता है, बताइए, केवल इंटरनेट एक्सेस या 3G या 4G या फिर WiMAX या फिर Wi-Fi। 7 में आपका सही आंसर होगा केवल इंटरनेट एक्सेस आपका सही आंसर होगा, ये एक तार युक्त प्रकार की जो है इंटरनेट संयोजकता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे CPU द्वारा संबोधित किया जाता है, किसको किया जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है। 8 में आप सभी का सही आंसर होगा, मेन मेमोरी को जो है सीधे CPU द्वारा संबोधित किया जाता है, सी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखिएगा, MS Excel 2007 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है, बताइएगा, इनमें से आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है और 9 में आपका सही आंसर है, फॉन्ट आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी। MS Word 2007 में आप बिल्कुल वही फॉर्मेटिंग कैसे अपना सकते हैं जो अन्य टेक्स्ट के लिए अपनाई है। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है और 10 में आपका सही आंसर होगा कि MS Word 2007 में आप बिल्कुल वही फॉर्मेट कैसे अपना सकते हैं जो अन्य टेक्स्ट के लिए बनाई है। तो टेक्स्ट को कॉपी करें और नए स्थान पर पोस्ट करें, उसके बाद नया टेक्स्ट टाइप करें, ये वाला जो है आपका सही आंसर होगा। वेब एड्रेस को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है, इसको कहा जाता है क्या, URL, वेब एड्रेस जो होता है इसको URL भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, एक्साबाइट यानी कि EB इसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है, कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा। 12 में 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, तो आपका विकल्प नंबर 1 जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर
13 आपसे पूछा गया है, किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ खालिस्तान कहलाता है, होम पेज, मेन पेज, वेब पेज, एनी पेज। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी का सही आंसर है कि किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ जो है वह होम पेज कहलाता है। क्या कहलाता है? होम पेज आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। खालिस्तान उस लोकेशन या टेक्स्ट के सिलेक्शन की पहचान करता है जिससे आप भविष्य के संदर्भ के लिए नाम देते और चिन्हित करते हैं, पेज नंबर, हेडर, बुकमार्क या फिर फुटर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको चयन करना है और 14 में बुकमार्क आपका सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? बुकमार्क आपका सही आंसर है। वह डिवाइस जिसका उपयोग ड्राइंग, ग्राफिक्स बनाने तथा मेन्यू सेलेक्शन के लिए किया जाता है, इस नाम से जाना जाता है, यानी कि किस नाम से उसको जाना जाता है। 15 में आपके लिए चयन करना है तो लाइट पेन के नाम से जाना जाता है, लाइट पेन आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयुक्त होता है? कौन प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयुक्त होता है? 16 में आपका सही आंसर होगा फ्रॉम, आपका यहाँ पर जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन अगला क्या पूछा गया है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर दिया गया है, एमएस एक्सेल में सेल कमेंट को किस प्रकार देखा जाता है? ये आपके लिए बताने, किस प्रकार देखा जाता है, चयन कीजिएगा। इंसर्ट मेन्यू पर एडिट कमेंट, कमेंट कमांड पर क्लिक करना, या फिर विंडो मेन्यू पर डिस्प्ले कमेंट कमांड पर क्लिक करना, या फिर माउस पॉइंट को सेल पर ले जाएं, या फिर व्यू मेन्यू पर कमेंट कमांड पर क्लिक करें। तो आपका 17 में सही आंसर है सी वाला विकल्प, यानी कि माउस पॉइंटर को सेल पर ले जाएं, ये वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर होगा। विनवर्ड डॉट ई एक्स ई डॉट 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 को आरंभ करने के लिए उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है ये आपको यहाँ पर 18 में बताना है। तो आप सभी का सही आंसर होगा एमएस वर्ड। क्या सही आंसर? एमएस वर्ड आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है TIFF, टिफ का विस्तृत रूप बताना है, जिसका विस्तृत रूप क्या माना जाता है। 19वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 19 में टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, आपका जो डी वाला विकल्प है वह आपका सही आंसर होगा। उस ड्राइव ऐप का नाम बताएं जिसमें प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, सी ड्राइव, ए ड्राइव, एच ड्राइव, ई ड्राइव। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 20वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, 20 में विकल्प नंबर सी ड्राइव आपका सही आंसर होगा, ए वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अब अपन पढ़ेंगे 29 दिसंबर 2017 फर्स्ट शिफ्ट में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।